ECAT के हवाले से हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 है जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और रिलेटिव एक्सट्रीमा से रिलेटेड यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है अभी एमसीक्यू जी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इज 1/8 -1/8 3/8 या -3/8। अब इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, अब सबसे पहले अगर हम मैकलॉरेंस को अप्लाई करते हैं, मैकलॉरेन सीरीज ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वी नो दैट कि व्हाट इज मैकलॉरेन सीरीज। मैकलॉरेन कैसे एक्सपैंड करता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 गिवन फंक्शन में 0 पुट करें एंड देन एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है सॉरी ये दिस इज गोइंग टू बी एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। हमें एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करना है सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अदर, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का जो है यहाँ पे टर्म फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट मीन 1/2, उसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, तो व्हाट इज माय सेकंड डेरिवेटिव, आप देख सकते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 1, अब सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ओवर 2 यानी n x की पावर n -1, तो हाफ माइनस 1 इज -1, डबल प्राइम करें डबल प्राइम तो 1/2 ऑलरेडी बाहर है, इसको आप डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -1/2 और x प्लस 1 की पावर -1/2 -1 व्हिच इज -3/2, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर आप यहां पे पुट करें इसको इस गिवन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं f डबल प्राइम ऑफ, और आप 0 के लिए फाइंड करें व्हाट इज f ऑफ 0, ठीक है दैट्स गोइंग टू बी सॉरी यहां पे भी 0 पुट करेंगे, यहां पे भी 0 पुट करेंगे, यहां पे हमने f 0 के तौर पे इसको लेना, ठीक है 0 के तौर पे दैट्स गोइंग टू बी एक्सपैंडेड। अब अगर आप यहां पे 0 पुट करते हैं तो देखें ये बनेगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1/4 और ये बनेगा जी 0+1, ठीक है 0+1 की जो भी पावर ली जाए एक्सेप्ट 0 दैट्स गोइंग टू बी 1 तो नीचे आके +3/2 हो जाएगी 1 रहेगी, या आ जाएगा -1/4। अब चूंकि अगर आप इसको -1/4 को गिवन में पुट करते हो, ठीक है -1/4 जो क्या आता है एफ डबल प्राइम ऑफ 0, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन 2 टाइम 1 और x स्क्वायर, तो 1 और 4 इन 2 बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 टाइम 2 हो जाएगा दैट मीन्स कि आ जाएगा -1/8 एक्स स्क्वायर, तो -1/8 इज द कोफिशिएंट, -1/8 is the coefficient which is option number, which is my option number B. So I will pick for B. मैं जो है वो B option को यहाँ से pick कर लूँगा। इसी तरह students हमारे पास एक और question है which is about increasing and decreasing functions. आप given graphs को देख सकते हैं कि हमारे पास chart और graphs हैं 1, 2, 3, 4 Roman letters के अंदर. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखें यू सी इन दिस फंक्शन व्हेन द एक्स वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पे एक्स एक्सिस है ऑब्वियसली ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है दिस इज माय वाई एक्सिस, ये जैसे एक्स जब यहां पे था तो वाई की वैल्यू ये थी, ठीक है एक्स जैसे स्लाइटली इंक्रीज हुआ वाई डिक्रीज हो गया, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता जा रहा है वाई डिक्रीज करता जा रहा है, दैट मीन्स के विद इंक्रीजिंग एक्स y is decreasing, so that means y is a decreasing function. पहले हम identify कर लेते हैं कि यहाँ पे behavior किस किस तरह का decreasing function, ठीक है? अच्छा इसी तरह से what about 2? 2 में देखें x पहले जब यहाँ पे था value कम थी y की ये value थी, जैसे x increase कर रहा है y increase कर रहा है, x increase कर रहा है y increase कर रहा है, x increase कर रहा है y increase कर रहा है, that means कि this is an increasing function, क्योंकि it increases with increasing value of x, यानी y increases with increasing value of x. Third, this is constant, y is not changing, with increasing x value, x increase हो रहा है लेकिन y is not changing its value, y अपनी value को change नहीं कर रहा. On the other side, अगर आप इसको देखें 4 को, तो इसमें start में there is a fluctuation, it's not a constant function, ठीक है, मतलब ये increasing है and then decreasing function है, ठीक है increasing है and then decreasing, अगर आप यूं कर लें increasing and decreasing, तो लिहाजा अगर आप option 1 and 2 are increasing function, no, 1 is decreasing, 2 is increasing, so is there any option like that,
वन थर्ड इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो, थर्ड इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. वन इज डिक्रीजिंग एंड टू इज इंक्रीजिंग, वन इज डिक्रीजिंग एंड टू इज इंक्रीजिंग, यस. सो आई विल गो फॉर ऑप्शन सी, मेरे पास अभी ठीक है, लेकिन डी को पढ़ते हैं. फोर इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, नो, फोर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, फोर इज अ वेरिएबल, ये चेंज हो रहा है, तो लिहाजा आई विल गो फॉर डी भी नहीं हो सकता, तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन. तो आई विल पिक ऑप्शन सी एज माई आंसर. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, जिसमें हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ को देखते हुए हम बताएंगे कि ये पॉइंट्स ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए बी और सी डी. अगर आप देखें तो ए बी और सी डी दे आर लोकल मैक्सिमम्स एंड नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमम. एब्सोल्यूट मीन देयर आर, आई मीन द ग्राफ इज कंटिन्यूड, सो डेफिनेटली इफ द ग्राफ इज कंटिन्यूड तो इसका मतलब वी कैन नॉट से कि ये दीज आर द मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स या मिनिमम पॉइंट, यानी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते. वी कैन नॉट से कि दीज आर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम. सो बेसिकली ये जो है वो अपने नेबरहुड के लिहाज से, अगर आप इसको देखें, दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू इट्स नेबरहुड, ये पॉइंट अपने नेबरहुड के लिहाज से दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, तो लोकली ये मैक्सिमम है. इस तरह ये पॉइंट भी अपने नेबरहुड के लिहाज से दिस इज लोकली मैक्सिमम एंड द कर्व इज गोइंग ऑन, तो वी कैन नॉट से बिकॉज मैंने लिमिट यहाँ पर डिफाइन नहीं की, सो मे बी वी मे गेट पॉइंट्स विच आर मोर बिगर. सो इसका मतलब ये नॉट श्योर कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे कैन बी रिलेटिव, रिलेटिवली दे आर मैक्सिमम, रिलेटिवली दे आर मिनिमम. अगर आप इसको देखें तो ये अपने नेबरहुड के लिहाज से मिनिमम पॉइंट है, ये भी अपने नेबरहुड के लिहाज से मिनिमम पॉइंट है. नेबरहुड से मीन विद द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ वाई इज ग्रेटर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई सबसे कम है रिलेटिवली. सो ए एंड बी आर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट्स, नो दे आर नॉट एब्सोल्यूट. सी एंड डी आर एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट्स, नो दे आर नॉट एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट्स. इसी तरह से हाउ अबाउट सी एंड डी, ए एंड बी आर लोकल मैक्सिमम, यस दे आर लोकल मैक्सिमम. C and D are local minimum, yes they are local minimum. As the limit is not given, so we cannot say which one is the absolute maximum, absolute minimum. Is there a word about E? E, C and D are correct. Because C or D dono correct hai. So instead of saying, aapne bagair sare option padhe C or D ko pick kar diya, you're wrong. Read all the options because E mein tha, C and D both are correct. So definitely both are correct. So I'll go for the option C. So C is my best answer in this case. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है वो है जी कि इन गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 4x² + 2x क्रिटिकल पॉइंट इज 3 by 8, बी इज माइनस 2 by 8, सी इज यू नो सॉरी दिस वाज माइनस 3 by 8, माइनस 3 by 8 और सी इज माइनस 1 by 4 और डी इज इक्वल टू 4. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब अगर आप देखें क्रिटिकल पॉइंट्स दोज पॉइंट्स वेयर हमारे पास फेयर चांसेस, हमारे पास चांसेस हो, वही बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्लोप आपकी जीरो होती है, यानी जहां पे आपका पॉइंट रिलेटिवली मैक्सिमम हो सकता है, यानी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम. अगर आप इस पॉइंट को देखें, यहां पे स्लोप क्या है, जीरो, रिलेटिव मैक्सिमम है. इस पॉइंट को देखें, ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है, यहां पे स्लोप क्या है, जीरो, दिस इज द रिलेटिव मिनिमम, स्लोप क्या है, जीरो. सो बेसिकली दीज आर दोज पॉइंट जहां पे हमारी हमारा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है. अब इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिराइव दिस फंक्शन, बिकॉज मैं स्लोप को जीरो के इक्वल रखूं, बिकॉज इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप जीरो होती है, सो आई नीड टू हैव अ स्लोप फंक्शन फॉर दिस ग्राफ. अब अगर आप स्लोप फंक्शन फाइंड आउट करते हैं इस ग्राफ का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² + 2x इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x. अब ये बहुत क्विकली फाइंड आउट किया जा सकता है बिकॉज 4 कोएफिशिएंट ऑफ बाय x² का 2x, सो 4 * 2 इज गोना बी 8x, ठीक है, 8x और 2 कोएफिशिएंट ऑफ बाय dx / dx 1 तो 2. तो अगर आप सिंस द स्लोप इज 0 सो f(x) 0 हो जाएगा, इसका मतलब है आप लिखेंगे 8x + 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन 8x इज इक्वल टू - 2, दैट मीन x इज इक्वल टू - 2 / 8 व्हिच मींस - 1 / 4. सो आई विल गो फॉर द ऑप्शन, वेयर इज a b c, where is b, now where is 1 by minus 1 by 4, so c is the best option, even though I do not have any other option, 3 by 8, sometime wo minus 2 by 8, jis mere se pehle likha gaya tha, so yahan pe both a and b bhi keh de, so you have to be very vigilant, theek hai, to minus 1 by 4 is the best option, so isliye I'll go for minus 1 by 4, isi tarah se, next hamare paas jo MCQs hain, अब गिवन क्वेश्चन है हमारे पास जी, गिवन क्वेश्चन इज जी इन द फंक्शन y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 12x प्लस 4, The critical points are, उसने critical points को दे दिए 2 and minus 2. Function gives maximum at 2, minimum at minus 2, maximum at minus 2, minimum at plus 2,
मैक्सिमम एट बोथ माइनस टू एंड प्लस टू और मिनिमम एट बोथ माइनस टू एंड प्लस टू। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, बल्कि अगर इफ यू आर गुड विद द ग्राफ्स आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक रफ से ग्राफ स्केच करें, रफ से ग्राफ स्केच करें, सो यू वुड बी एबल टू फाइंड के इन पे क्या बिहेवियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को यहां से निकालता हूं, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहां से निकाल लेता हूं, लेट्स से अगर मैं इसको यहां से निकाल के यहां पे कॉपी कर लेता हूं, सो देखें यू हैव टू सेव टाइम, यू हैव टू बी स्मार्ट। अब एक्स क्यूब का अगर आप यानी इस गिवन फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। अब वी नो दैट कि अगर मैं यहां पे यू नो एक्स जीरो पुट करता हूं, ठीक है, एक्स जीरो पुट करता हूं, वाई इज इक्वल टू फोर, व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज इक्वल टू फोर, वन टू थ्री फोर समवेयर यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 12x, अब आप y 0 पुट करेंगे तो आप x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और आप इसको यहां पे प्लॉट कर लें। इफ यू आर गुड विद द ग्राफ्स यू कैन डू विद दैट मेथड एज वेल, बट अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो द सिंपल मेथड इज कि उसने हमें बता दिया कि क्रिटिकल पॉइंट्स, हमारी हेल्प उसने कर दी 2 एंड माइनस 4 द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसका मतलब है कि हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यू नो कि व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव, व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव, एक तो टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव वाला, ठीक है। So y is equal to 3x cube minus 12x plus 4. सबसे पहले first derivative find out करेंगे, देखें 3x cube, x cube and minus 12x and all that, ठीक है। आप देखें जी ये आ जाएगा 3x square यानी first derivative, y prime आ जाएगा 3x square minus 12 और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो दैट मीन इफ यू पुट 0 इक्वल 0 तो 3x स्क्वायर इज इक्वल 12 आता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4s आर 12, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मेक सेंस। अब अगर आप y डबल प्राइम फाइंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव 3 टू द 6x और माइनस 12 और 0 6, अब आप पुट करें 6 यानी सेकंड डेरिवेटिव, देखें अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमम डबल प्राइम एट 2 6 * 2 इज गोना बी प्लस 12, इसका मतलब है add to the value is minimum because second derivative अगर positive आ जाए तो value is minimum, add to double prime add minus 2 करें तो 6 into minus 2 is gonna be minus 12, that means a negative add minus 2 the value is maximum, एक तो method ये है, if you're comfortable, I think this is the simplest method जो आप apply कर सकते हैं के माइनस टू और टू के साथ आप जाके, इसका मतलब है आई विल पिक ऑप्शन माइनस टू पे मैक्सिमम है और टू पे मिनिमम है, ऐसी बात है, माइनस टू के ऊपर मैक्सिमम, प्लस टू के ऊपर मिनिमम, माइनस टू के ऊपर मैक्सिमम, ठीक है, आई विल गो फॉर द ऑप्शन बी बिकॉज मैक्सिमम एट माइनस टू मिनिमम एट प्लस टू, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देयर इज अनदर मेथड इफ यू डोंट वांट टू डू, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, अगर फंक्शन बहुत स्लाइटली मुश्किल दे दिया उन्होंने एंड यू फील प्रॉब्लम इन यू नो उसको आपको डिराइव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूं। उसका शॉर्टकट क्या है कि आप जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले लिया, ठीक है, विच इज 3x² - 12, मैं यहां पे अभी सब रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये सब रिमूव कर देता हूं। सो द बिहेवियर शुड बी कि अगर आप ग्राफ को प्लॉट करें, देखें ये मिनिमम पॉइंट है, दिस इज अ मिनिमम पॉइंट से पीछे जो स्लोप जो है, ठीक है, पीछे जो स्लोप जो है, पहले देखें पहले स्लोप डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, यानी पहले स्लोप नेगेटिव है और उस जीरो के बाद स्लोप पॉजिटिव होती है, ठीक है, इसको आप इस की को आप माइंड में रखें। और इसी तरह से अगर इंक्रीजिंग पॉइंट है तो इसके जहां पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे स्लोप जीरो है, अगर पहले स्लोप पॉजिटिव है उससे और फिर क्या होती है नेगेटिव होती है, इसका मतलब है अगर टू और माइनस टू को अगर हम माइंड में रखते हैं तो सबसे पहले टू को टेस्ट करते हैं, ये बहुत क्विकली हो सकता है। अगर आप टू को टेस्ट करना चाहते हैं, टू से पिछला पॉइंट है वन और टू से अगला पॉइंट है थ्री, आप वन पे टेस्ट करें, थ्री इंटू वन का स्क्वायर थ्री होता है, थ्री माइनस ट्वेल्व, ठीक है, थ्री माइनस ट्वेल्व इज गोना बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और अगर आप थ्री पे टेस्ट करें, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन थ्री एटीन इज गोना बी पॉजिटिव, इसका मतलब है नेगेटिव से जीरो होती है, ठीक है, और फिर पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स टू के ऊपर क्या है, इट्स गोइंग टू बी मिनिमम पॉइंट, टू के ऊपर मिनिमम पॉइंट है, यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से माइनस टू पे चेक करें, माइनस टू से पिछला पॉइंट है माइनस माइनस वन और उससे
आई मीन माइनस थ्री, लेफ्ट साइड पे पॉइंट आएगा माइनस थ्री, फिर आएगा माइनस टू, फिर आएगा माइनस वन, ठीक है। अब माइनस थ्री पे टेस्ट करें, माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव इज गोना बी पॉजिटिव फर्स्ट, पॉजिटिव फर्स्ट बिकॉज माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन होगा, नाइन ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व पॉजिटिव आंसर आएगा, आंसर विल बी पॉजिटिव। माइनस वन पे टेस्ट करें, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन इंटू थ्री थ्री, थ्री माइनस ट्वेल्व नेगेटिव आंसर। सो दैट मीन्स के पॉजिटिव के बाद जीरो हो फिर नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव हो, दैट मीन माइनस टू पे मैक्सिमम पॉइंट है। सो दिस इज अनदर वे यू कैन फाइंड आउट के मैक्सिमम कहाँ पे और मिनिमम कहाँ पे है।